गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिहरेश्वर निकलने का टाइम हो गया अभी. सो द रीज़न आई एम स्टार्टिंग दिस व्लॉग ओवर हियर, ये हमारा रूम था कल रात के लिए, रूम नंबर 1 इन साई लॉजिंग, और यहाँ पे मेरी बाइक पार्क थी. सो इट कांट गेट एनी सेफर देन दिस. और अगर यहाँ पे 4 या 5 रूम्स है आई थिंक, तो 4-5 बाइक्स भी यहाँ पे लग सकती है, 10 भी लग सकती है. और ये ओनर का घर है, सो इट्स अ परफेक्टली सेफ सेटअप फॉर पार्किंग योर बाइक्स. बस इसका एंट्री और एग्जिट थोड़ा ट्रिकी है, स्पेशली विद द सैडल बैग्स. ओ मेकअप झाला असेल तर जरा बाजूला वा. सांभाळून, सॅडल बॅग्समुळे आपल्या बाईकची बनते रिक्षा. ओके, और यही पे जस्ट अक्रॉस द रोड इनका खुद का रेस्टोरेंट भी है, दिस वन साई रेस्टोरेंट. यही पे हमको कल वो फिश थाली मिल गई थी, घरगुती फिश थाली वाला रेस्टोरेंट, बट इट्स डैम टेस्टी. अभी सुबह ब्रेकफास्ट भी यही पे किया है, घावने आणि पोहे, प्योर कोकणी ब्रेकफास्ट, वॉज ग्रेट टेस्ट, प्रिटी अफोर्डेबल, रिजनेबल, मजा आ गया. सो जर्नी बैक टू होम बिगिन्स. मारुडी, अच्छा चलो, हरिहरेश्वर महाराज की जय, दक्षिण काशी. ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल, यू आर वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स. वेल, आज का ये वीडियो शूट करने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न एक ही है कि कल मैं आपको ये हरिहरेश्वर, मतलब प्रैक्टिकली हरिहरेश्वर नहीं, श्रीवर्धन से मानगांव वाला रूट दिखा नहीं पाया, मतलब आते वक्त मानगांव से श्रीवर्धन वाला, क्योंकि उस रूट पे जब मैंने शूट करना चालू किया तो दिस ब्लडी गाय डाइड, इसकी बैटरी ख़त्म हो गई. सो आई कुडंट शो यू एनीथिंग. और ये रूट इतना ब्यूटीफुल है कि इस पे राइड करते वक्त मैं आपसे वो सारा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था. काय सुंदर दिसते यार गाडी, लहानपणापासूनचं माझं क्रश आहे रेंज रोवर इवोक, स्टान्सच जबरदस्त आहे गाडीचा. एनीवेज, कमिंग बॅक टू रियालिटी फ्रॉम द ड्रीम्स, हम अभी है हरिहरेश्वर टू श्रीवर्धन वाले रूट पे. अराउंड हरिहरेश्वर से 12 किलोमीटर जाने के बाद हमें राइट टर्न आएगा मानगांव के लिए, एंड श्रीवर्धन विल गो स्ट्रेट. सो वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग दैट जंक्शन नाउ. हरिहरेश्वर से पहले 5 किलोमीटर रास्ता थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ है, मतलब थोड़ा सा ख़राब है, बट उसके बाद दिस एंटायरली इज़ अ गुड रोड. ओके, दिस इज़ द जंक्शन, यहाँ से आगे सीधा जाएंगे तो श्रीवर्धन, और इस तरफ है मानगांव. ऑलराइट, सो ये जो 40-45 किलोमीटर्स का रूट है, इस रूट का अभी हम आनंद उठाएंगे, लुत्फ उठाएंगे. लुत्फ हा शब्द जरा जास्तच वजनदार वाटला म्हणून मी आनंद बोललो, पण तुम्हाला लुत्फ आवडत असेल तर लुत्फ म्हणा. चलो लेट्स स्टार्ट. विद इन 1 किलोमीटर आफ्टर स्टार्टिंग घाट चालू हो गया, मतलब वो टर्न लेने के बाद तुरंत एकदम फटाक घाट म्हटलं की जरा अशी ऊर्जा येते. कोणी येत आहे का ते समोर ना? ओके, नको. नेवर टेक अननेसेसरी रिस्क, अगर सामने नाही दिख रहा है तो रुक जाओ. भाई तुला तर दिसतंय ना समोरचा, हात दाखवू शकतोस की नाही? मग डायरेक्ट थांबवलंच त्यांनी. हां ये बाबा, मी नाही जाते. ऑल राईट, ऑल क्लिअर. नो मॅटर हाऊ पॉवरफुल युअर बाईक इज, एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब सामने से आने वाली गाड़ी अगर आपको क्लियर नहीं दिख रही है, बेटर स्टॉप. आधा मिनट बढ़ने से आपको 150-200 किलोमीटर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट रिस्क लेके फर्क पड़ सकता है.
स्पेशली बाई डायरेक्शनल रोड्स पे। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, पुढचं बोलायचं नाही, ती अश्लील आहे। बट हियर इन द जंगल क्या मजा आ रहा है, जंगल में मंगल। फॉरेस्ट कर्व्स, घाट और इतना अच्छा रोड, मतलब इसको डेडली कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, थ्रिलिंग कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। थ्रिलिंग पहले बोल सकते हैं, लेकिन थ्रिल का अगर ज़्यादा एक्साइट हो गए थ्रिल में तो फिर डेडली भी बन सकता है ये कॉम्बिनेशन। सो एंजॉय करने में क्या आ जाता है। बाय द वे दिस इज सैटरडे मॉर्निंग, वी आर गोइंग बैक फ्रॉम हरिहरेश्वर, और अभी सैटरडे संडे सारे राइड्स वाले, मतलब बहुत से ग्रुप्स के राइडर्स हमें क्रॉस हो रहे हैं जो सैटरडे संडे के लिए हरिहरेश्वर जा रहे हैं। वी फील लाइक इडियट्स। वीकेंड की स्टार्ट होते ही हम घर जा रहे हैं वापस, क्या करें, अपना काम ही कुछ ऐसा है। वीकेंड इज वर्किंग फॉर अस, और वीकडे में थोड़ा बहुत टाइम निकल सकता है। अभी ऐसे इंटरनल रोड्स पे एक ही दिक्कत होती है, वो है फ्यूल। अभी इट्स ब्लिंकिंग, सो 30-40 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी। 30-40 किलोमीटर में वैसे मानगांव पहुंच जाएंगे, सो इट्स नॉट मच ऑफ एन इशू, लेकिन अपनी रेडबुल में हमेशा पावर पेट्रोल जाता है, पावर स्पीड या एक्स्ट्रा प्रीमियम, आई मेंटेन दैट, तो वो यहाँ पे मिलना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। मसाला में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मानगांव में भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं, मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो एटलीस्ट 500 या 1000 रुपये का पेट्रोल डाल देंगे अभी के लिए, सो दैट मानगांव से खोपोली तक चले जाए, 500 में भी चली जाएगी, और खोपोली जाके फिर पावर डलवा देंगे, दैट्स अ बेटर ऑप्शन इट सीम्स। सी टुक मी अराउंड 20-25 मिनट्स श्रीवर्धन से मसाला तक। अभी ये लेफ्ट साइड में पूरा मसाला सिटी है, टाउन, और हम लोग अभी बाईपास पे है। सो मसाला बाईपास में ये जो कंक्रीट रोड शुरू हुआ है, ये ऐसा ही पूरा रोड एंड तक जाएगा मानगांव तक। यहाँ से अराउंड 30-35 किलोमीटर्स कुछ तो होगा, बट ये पूरा डिस्टेंस कंक्रीट रोड है, नॉट लाइक दिस, ये ऊपर से जाएगा, ब्रिज बन रहा है, बट ऑलमोस्ट 99% काम हो चुका है। मतलब मेरे ख्याल से ये एक ब्रिज बन रहा है, और आते वक्त दो या तीन जगह पे ऐसा था कि आधा रोड बना है और आधा कंक्रीटिंग चालू है, इट वॉज लाइक 50 meters पैचेस दो तीन जगह पे, सो इट्स नेक्स्ट टू नथिंग। बाकी पूरा बन चुका है रोड, और इसमें भी एक या दो घाट है। फन, अनलिमिटेड फन। पर्सनली इफ यू आस्क मी, कंक्रीट रोड से ज़्यादा तो मुझे टारमैक रोड ही पसंद है। आसफाल्ट पे जो ग्रिप मिलती है ना बाइक को, यू फील डिफरेंट, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है। मे बी इट्स माई पर्सनल फीलिंग, आई डोंट नो, अगर आपको कुछ अलग लगता है तो कमेंट करके बताओ, या फिर अगर मेरी जानकारी गलत है या मेरा एक्सपीरियंस गलत है तो कमेंट करके बताओ, बट आई फील दैट ये जो लीनिंग है ना, मुझे एस्फाल्ट पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगता है। ये और एक घाट चालू हो गया, आयश। अच्छा हाय गए, इस पैच में कल इतना पक गया था मैं, वहाँ से यहाँ तक पूरे ये लाइंस रमलर स्ट्रिप्स लगा के रखे हैं, और ऊपर से आते वक्त मैं था स्पीड में, कुछ इस तरह मेरी बाइक वाइब्रेट हुई है, गाना बन गया ये तो, कुछ इस तरह, क्या है वो, तेरी पलके मेरी पलकों से मिला दे अतिफ असलम। बारिश में मज़ा आएगा यहाँ पे गाड़ी चलाने में, ऑब्वियसली ऐसे नहीं चल पाएगी बिकॉज कंक्रीट पे बारिश में थोड़ा और डर लगेगा, मुझे तो लगेगा डेफिनेटली, बाकी को पता नहीं।
एंड इट्स क्वाइट स्टीप. ऊपर से आते वक्त अगर स्पीड में आते हैं तो लास्ट मोमेंट पे ब्रेक भी नहीं दबा सकते, नहीं तो सर सुर सटाक. बस इस पेड़ के नीचे रुक के हमने लास्ट मैंने आपसे बात की थी कल, और इसके बाद कैमरा बंद हो गया था. यस, यहाँ पे रुके थे हम लोग. सो फ्रॉम हियर मानगांव इज जस्ट 12 किलोमीटर्स. सो ऑलरेडी हम 17-18 किलोमीटर आ गए मसड़ा से, एंड लुक एट द टाइम, इट्स 11:24. मतलब मैक्सिमम एक घंटा हुआ है हरिहरेश्वर से निकल के, अराउंड 50 किलोमीटर्स. और यह भी दूसरा घाट चालू हुआ जिसके बारे में कल मैं बता रहा था लास्ट व्लॉग में. फिर 10:15 स्टार्ट किया था वहाँ से हरिहरेश्वर से, एग्जैक्टली 11:30 बज रहे अभी, मतलब 75 मिनट्स एंड 60 किलोमीटर्स डन. मानगांव पहुँच गए हम लोग. That's how good this road is. As of now, I have no doubt in saying कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे बढ़िया रोड है आज की तारीख में. Mark my word, 11th March 2023, this is the best road in रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट. मैं रायगढ़ में रहता हूँ, रायगढ़ के ऑलमोस्ट सारे रास्ते घूम चुका हूँ, घूमता रहता हूँ, बट आई हैव नेवर फाउंड द रोड एज गुड एज दिस. अभी हम लोग ऑलमोस्ट निजामपुर पहुंच गए, और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है जहाँ लास्ट टाइम मुझे, ये नहीं SR वाला नहीं बंद है, ये दस HP1, यहाँ पे लास्ट टाइम पावर पेट्रोल मिला था. तो लेट्स टेक ए चांस, क्योंकि अभी ब्लिंक होना भी बंद हो गया है, सो एनी विच वेज पेट्रोल तो भरना ही है. तो देखते हैं, अगर पावर मिला तो वेल एंड गुड. लास्ट टाइम यहाँ पे था पावर, अभी भी है लग रहा है. एटलीस्ट पंप तो है यहाँ पे, नोजल तो है, पावर है. ग्रेट, पावर आहे. फुल करेगी